Hi, Namaste, welcome back viewers, welcome back to my channel Vinchena. Small mistake, छोटी सी गलती हमें बड़े नुकसान तक ले जा सकते हैं. इस तरीके से यानी कि छोटा मिस्टेक कैसे अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि ट्रेडिंग में जिनको लॉस हो रहा है इस तरीके से लॉसेस हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट कैसे कमाया जाए, वो चार्ट एनालिसिस थ्रू आप कैसे करेक्ट कन्फर्म सिग्नल और फेक सिग्नल पिक कर सकते हैं. जो नॉर्मल चार्ट से हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यानी कि खासियत क्या है, ये चार्ट आप क्यों सिलेक्ट करें, ये सबका यानी कि आंसर आज की वीडियो में है. और इसमें हमेशा मैंने डेली का लाइव मार्केट का अपडेट्स यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 5 बजे यानी कि लाइव का आज की क्या परफॉर्मेंस है, बैंक निफ्टी निफ्टी जो भी मार्केट है मैं आपको अपडेट करते रहते हूँ. इसमें लाइव परफॉर्मेंस की तो हमेशा मैं आपको इनवाइट करती हूँ, यानी कि फ्री लाइव डेमो हमारे सॉफ्टवेयर में यानी कि आपको चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं मुझे. मेरा नंबर ये वीडियो के साथ में ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा, इसमें आप कॉल कर सकते हो. आज सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको यानी कि बजाज फिनसर्व गोल्ड और साथ में हमारा सॉफ्टवेयर स्कैन यानी कि पूरी मार्केट लेकर है, किस तरीके से आपको यानी कि एक परफेक्ट ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते हो, ऊपर वो मैं आपको लाइव मार्केट के थ्रू मैं आपको बताती हूँ. ओके, तो इसमें फॉरेक्स भी, हाँ फॉरेक्स मार्केट भी हमारा सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट सपोर्ट करते हैं, किस तरीके से फॉरेक्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो वो भी हम चेक करेंगे. सबसे पहले बैंक निफ्टी, आज की बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस, इसमें से यानी कि मार्केट बीच में एक हाइक डाउन गिरे थे, ये डाउन यानी कि लेने लायक था कि नहीं, यानी कि आपने जिन्होंने भी लिया है उनको नुकसान हो गया होगा, स्कैल्पिंग में पकड़ सकते थे, पर इंट्राडे में वो पोर्शन लेने लायक नहीं था, मार्केट सीधा रिवर्स हो गए थे. इस तरीके से यानी कि आपको हाइक में डाउन जाने वाला पोर्शन आप पकड़ेगा कैसे वो भी हम चेक करते हैं. सबसे पहले आप देख लीजिए आज के बैंक निफ्टी का लाइव रेट यहाँ पे दिखेगा, और इसमें से यानी कि ये डे ब्रेकर लाइन से मार्केट ओपन हुआ है, इसमें ग्रीन कलर आप पा रहे हो बाई है, रेड कलर सेल है, यानी कि दोनों ऑटोमेटिक सिग्नल आपको अलर्ट मैसेज के साथ आएगा. ये फिलहाल मैं आपको हमारी स्ट्रैटेजी दिखा रही हूँ, 8.1 है टोटल, पहले 8 स्ट्रैटेजी हमने डेवलप किया है. ये चार्ट एनालिसिस में आपको यानी कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ये लेटेस्ट वर्जन में हमारा खासियत ये होता है करेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी कि मार्केट बाई जा रहा है, सेल डाउन जा रही है, कहाँ से एंट्री लो कहाँ से एक्सिट करो, अगर ये अगर सिग्नल दिया है तो वो सिग्नल लेने लायक है क्या, वहाँ पे फेक है वो थोड़ा वेट करना चाहिए, कैसे लेना, वो सारा जानकारी हमारे ये चार्ट में मिलेगा. सिंपल है यूज़ करना. इसमें हमने सेट किया है बार चार्ट की, जिसमें ग्रीन कलर बाय ट्रेंड है और रेड कलर सेल है, एक्स्ट्रा कलर्स साइडवेज इशारा दे दिए. हमें ध्यान रखना इतना है, हमेशा लॉन्ग कैंडल में जहाँ से ओपन होते हैं ना वो कैंडल हमेशा पिक नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए. तो यहाँ पे देख लीजिए ग्रीन का पर बाय दिया था अप्रोक्सीमेटली लगभग कल की क्लोजिंग में दिया था, लगभग 3 बजे के बाद वो जब सिग्नल आए थे कन्फर्म थी, हर सिग्नल कन्फर्म नहीं होता है, जब सिग्नल देते हैं ना तो वहाँ से कन्फर्मेशन चेक करने के बाद हमें एंट्री लेना चाहिए, उसके पहले एंट्री नहीं लेना चाहिए. कन्फर्मेशन चेक करने के लिए काफ़ी सिंपल है, जब बाय दिया है तो आपको कैंडल भी ग्रीन है, नीचे भी ग्रीन है, बाई सोन है, ऐसे तीनों कन्फर्म हो तो वहाँ से ट्रेड लीजिएगा. ये सिग्नल कन्फर्म है, सिग्नल यानी कि लगभग 2:15 में दिया था उसकी बाई एंट्री, और टारगेट्स भी है, सिग्नल कन्फर्म है और रेसिस्टेंट, अगर सिग्नल कन्फर्मेशन के बाद रेसिस्टेंट भी ब्रेक करेगा ना तो वहाँ से सीधा मार्केट ऊपर जाएगा, वो पोजीशन पकड़ेगा तो बहुत बड़ा एक्यूरेसी आपको मिलेगा. तो ये सिग्नल यहाँ पे देखिए, सिग्नल कन्फर्म था तो वहाँ से रेसिस्टेंट ब्रेक नहीं के बाद ब्रेक करेगा ना सीधा ऊपर जाएगा. पर इसमें मॉर्निंग में बहुत बड़ा सिग्नल यानी कि प्रॉफिट हमें मिला है, क्योंकि बैंक निफ्टी कल की कंटिन्यूएशन मॉर्निंग में गए थे, कल की कंटिन्यूएशन के बाद रेसिस्टेंस लेवल मॉर्निंग में यहाँ से ब्रेकआउट होकर सीधा मार्केट ऊपर गए थे, मॉर्निंग में ही हमें प्रॉफिट मिला है. ऑप्शन में देखूंगी तो अप्रोक्सीमेट 46,100 की लगभग कॉल मॉर्निंग में हम ले सकते थे. तो यहाँ पे बैंक निफ्टी वीकली, यहाँ पे वीकली कॉल 46,100 के हिसाब से यहाँ पे हमें ऐड कर सकते हो. तो उसमें राइट क्लिक, चार्ट विंडो और 5 मिनट्स टेम्पलेट से 8.1 ऑप्शंस, ऐसे हमें सेट करना है. इसमें ऑप्शन में देखिए कल की कंटिन्यूएशन गए थे और आज मॉर्निंग में रेसिस्टेंस यहाँ पे से ये पॉइंट में जब ब्रेकआउट किया था मॉर्निंग से ही मार्केट सिग्नल दिए थे, 246 से सीधा मार्केट ऊपर 374 तक गए थे, बहुत बड़ा एक्यूरेसी हमें मिला था मॉर्निंग में ही, वही ट्रेड काफ़ी था हमें प्रॉफिट तक ले जाने के लिए, उसके बाद कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि उसके बाद मार्केट ने सेल दिया था, सेल एकदम हाइक में नीचे की तरफ मार्केट गिरे थे,
यहाँ पे सेल लेने लायक नहीं था बिल्कुल। यहाँ पे सेल सिग्नल देने के बाद हमें कंफर्मेशन सबसे नीचे जाकर मिला है, वहाँ से सपोर्ट तोड़ा नहीं है, तो यहाँ से ब्रेकआउट होने वाला था मार्केट पुल बैक लेकर, पर वहाँ से हुआ नहीं, इसके लिए वो पॉइंट लेने लायक नहीं था। उसके बाद जो बाई आए थे बाई कन्फर्म थे, ब्रेकआउट हो ही रहा था, तो वहाँ से मार्केट क्लोज हो गया। तो इसमें हमेशा यही ध्यान रखना है जो सिग्नल कंफर्म हो, यानी कि सिग्नल कैंडल कड़ा, नीचे कंफर्मेशन बार, प्राइस एंड बाय सोन तीनों कंफर्म हो के सेकंड कैंडल के ओपनिंग रेट को ले लेना। अगर वहाँ से रेसिस्टेंस ब्रेक किया ना उससे एक्यूरेसी बनती है। हमेशा लॉन्ग कैंडल अवॉइड कीजिए, लॉन्ग साइडवेज भी अवॉइड, साइडवेज लॉन्ग साइडवेज बहुत देर तक साइडवेज बन रही हो वो सिग्नल भी हमेशा अवॉइड कीजिए, वो सिग्नल भी काफ़ी रिस्की हो सकते हैं। और उसी के अलावा यानी कि सिग्नल ऐसा पिक कीजिए, सिग्नल जैसे ही यानी कि देने के बाद विद इन 15 या 20 मिनट्स के अंदर ब्रेकआउट दे रहे हैं, वैसा सिग्नल हमेशा पिक करने के लिए कोशिश कीजिएगा। और उसी के अलावा आज की बजाज फिनसर में देखिए, ऐसे वॉल्यूम स्टॉक पिक करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर से स्कैनर काफ़ी है। स्कैनर में आप अपना वोटल्स में जो कुछ भी वॉल्यूम स्टॉक ऐड करके रखेंगे, इसमें कौन से स्टॉक में स्ट्रॉन्ग बुलिश और बीरिश दे रहे हैं स्कैनर खुद आपको बताएगा। इसमें ग्रीन कलर की आरोज यानी कि स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बीरिश की तरफ इशारा दे रही है, यानी कि तीनों रेड है तो स्ट्रॉन्ग सेल है और तीनों ग्रीन है स्ट्रॉन्ग बाय है। तो यहाँ पे गोल्ड में देखूंगी तो गोल्ड में 5 मिनट्स के हिसाब से साइडवे दे रही हूँ, उसी के हिसाब से 2 आरो रेड दे रही है, इसका मतलब होता है वहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन, वहाँ पे कंफर्मेशन यानी कि नहीं है, वो सिग्नल नहीं लेना है। और तीनों आरो ग्रीन है तो वो सिग्नल पिक कीजिए, वो सिग्नल स्ट्रॉन्ग बाय हो सकते हैं। और यहाँ पे आज सबसे पहले बजाज फिनांस में देखिए, फिनसर में देखिए, आज दोनों तरीके से सिग्नल था, मॉर्निंग में बाई था और उसके बाद सेल भी था। सेल यहाँ पे देखिए ये सेम बैंक निफ्टी की तरह ही है, क्योंकि यहाँ पे सेल देने के बाद एकदम हाइक में, यहाँ पे सेल सिग्नल देने के बाद हाइक में नीचे जाकर एकदम नीचे कंफर्मेशन दिया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से सेल है तो ये पोर्शन लेंगे तो थोड़ा पुल बैक आने के बाद ही नीचे गिरेगा, तो परफेक्ट पोर्शन होता है ये सपोर्ट। यहाँ पे सपोर्ट जब तोड़ेगा ना तो वहाँ से सीधे नीचे गए, ये पॉइंट भी ले सकते थे, वहाँ से सीधा नीचे गिर गया है। यहाँ पे हम बीच में लेंगे तो थोड़ा पुल बैक आने के बाद हमेशा वो आगे जाएगा या पीछे जाएगा हम कन्फर्म नहीं कर सकते, इसके लिए वो पोर्शन ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे सेल यहाँ पे सपोर्ट तोड़ के हम पकड़ लिए थे, वहाँ से सीधा नीचे गए थे, 20 पॉइंट्स के हिसाब से हासिल किया है। और उसी के अलावा आपको फॉरेक्स मार्केट और कमोडिटी में हमारा सॉफ्टवेयर में सपोर्ट करते हैं। कमोडिटी में 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो कीजिए, फॉरेक्स में 30 मिनट्स का। आज की फॉरेक्स देखिए, फॉरेक्स गोल्ड में कल की बाई की कंटिन्यूएशन गए थे, मॉर्निंग में रेसिस्टेंस ने यहाँ से ब्रेक किए थे, 1911 में वहाँ से सीधा मार्केट ऊपर गए थे, 1919 तक गए थे, 8 पॉइंट का प्रॉफिट अभी मॉर्निंग में मिला है, अभी भी मार्केट बाई में ही जा रही हूँ। और इसी के अलावा कमोडिटी में देखिए, कमोडिटी में 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करना है, कल की बाई की कंटिन्यूएशन है, रेसिस्टेंस यहाँ से थोड़े से वहाँ से सीधा मार्केट ऊपर 296 का प्रॉफिट का यानी कि कल के सिग्नल के थ्रू हमें मिला है। आज लगभग पोर्शन हमने यहाँ से पकड़ा था 58,716 यानी कि हिसाब से लगभग 838 तक गए थे, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट हासिल किया, काफ़ी अच्छा हमें ट्रेंड भी यहाँ पे मिला है। किसी को डेमो चाहिए तो हमारी सॉफ्टवेयर का यानी कि डेमो किसी को लेना है तो कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए मेरे नंबर पे, सेवा कृष्णा 813-9-0-3999। थैंक यू।